लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। साहबजादे हैं या उड़ गए? जी वो कुछ कहने की जरूरत नहीं, मुझे मालूम है, मगर रात तक तो वो आ ही जाएगा। तू उसे कह देना कि उसके डैडी के एक दोस्त हैं दीवान महेंद्रनाथ, उनकी बेटी कल आ रही है, नाम है उसका रेनू, डॉक्टर है, यहाँ के पास के किसी गांव में उसकी पोस्टिंग हुई, 3-4 दिन वो यहाँ रहेगी। मैं चाहता हूँ कि वो उससे मिल ले, उसे पसंद कर ले, ताकि दोनों की शादी करवा दे। ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी अंकल, क्यों काका? हाँ बेटे, भगवान का शुक्र है, मेरा तो बोझ कम हो जाएगा। अच्छा, फ्लाइट कल 12 बजे की है, मैं चाहता हूँ कि विजय जाके उसको रिसीव कर दे। ओके, ये लोग अभी तक पहुंचे क्यों नहीं? अरे काका, अगर कोई गाड़ी गई होती तो आती ना। क्या मतलब? क्या वो मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लो आ गई उनकी गाड़ी। नहीं काका, ये जीप नहीं, किसी और गाड़ी की आवाज है। वर्मा कॉटेज यही है? हाँ यही है जी, मैं रेनू हूँ, दिल्ली से आई हूँ। अच्छा अच्छा, आओ बेटी आओ आओ। ड्राइवर सामान निकालो, सामान। हेलो हेलो जी, मेरा नाम गोपाल है, मैं विजय का दोस्त। अरे दोस्त क्या, ये तो भाइयों से भी बढ़कर है, बहुत प्यार करता है विजय से। जी विजय है कहाँ? जी मुझे नहीं पता, मैंने एयरपोर्ट पे काफी राह देखी, फिर टैक्सी पकड़ के आ गई। चलो अच्छा किया, आप थक गए होंगे, नहा धो के फ्रेश हो जाइए, फिर बात करते हैं। हाँ काका, इन्हें समझा दीजिएगा अगर अंकल विजय के बारे में पूछे तो, वो है ना। हाँ बेटी, वो बेचारा विजय जरूर किसी काम की वजह से फंस गया होगा। और सुनो, अगर विक्रम बाबू आए तो उनसे ये मत कह देना कि विजय तुम्हें एयरपोर्ट लेने नहीं गया था। हाँ देखिए, आई एम सॉरी कि आपको आते ही झूठ बुलवा रहे हैं। नहीं कोई बात नहीं, वैसे मैं यकीन दिलाता हूँ कि विजय ऐसा है नहीं, वो जरूर किसी काम में फंसा होगा। भाई साहब, आपके पास माचिस होगी? माचिस? आपको क्या यहाँ पनवाड़ी की दुकान दिखाई दे रही है जो आप माचिस मांगने चले आए? नहीं, कई दिनों से ये बीड़ी लेकर घूम रहा हूँ, इसको जलाना है, मेरे पास माचिस नहीं है। चलो कोई बात नहीं, आपके सिगरेट से बीड़ी जला लेता हूँ। मेरे पास सिगरेट भी नहीं है। गलती हो गई मुझसे, दरअसल आप इस छोकरे के ऊपर मुंह से मुंह लगाए झुके हुए थे, तो मैंने सोचा कि आप भी सिगरेट से सिगरेट सुलगा रहे होंगे। छोकरा? मैं आपको छोकरा लगती हूँ? या खुदा तेरी शान, आवाज दो कादर खान, निकले जीनत अमान। माफ करना खातून, मैं आपको इस लिबास में देखकर कुछ और ही समझ रहा था, गलती हो गई, जाता हूँ। वाकई आपके पास माचिस नहीं है? Thank you.
भगवान के लिए मेम साहब चिल्लाइए मत, दरअसल मैं ये समझा ये मेरा घर है। बिल्कुल ऐसा ही था, मैं अपना घर समझ के अंदर आया था। वैसे आप ही का घर है विजय साहब। अरे ये तो वाकई हमारा घर है, ये नया शिकार कौन है भाई? डॉक्टर रेनु। ओ, तो आप है डॉक्टर रेनु, इतनी रात गए इस खिड़की से अंदर आने की बजाय। आप हैं जी, मैं समझी नहीं कहाँ चली गई थी आप। अरे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा मैंने, एयरपोर्ट पे ढूंढा, एयर स्ट्रिप पे ढूंढा, प्लेन के सीट्स पे ढूंढा, पायलट के कैबिन में ढूंढा, प्लेन के टॉयलेट में ढूंढा, प्लेन के बस 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 विजय सब समझ में आ गया। तू क्या समझा बे, तू क्या बकवास कर रहा है? अरे रेनू समझकर मैंने दो तीन लड़कियों को पकड़ भी लिया था, मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं बच गया। अरे डैडी के दोस्त की लाडली को अगर कुछ हो जाता तो मैं क्या जवाब देता? पर मैंने तो बहुत इंतजार किया, फिर टैक्सी लेके आ गई। चलिए आप आ तो गई। हाँ। सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो इसे भूला नहीं कहते। किसकी बात कर रहे विजय? तू अपनी बकवास बंद कर, गोपाल मेरी आंखों के सामने अभी तक प्लेन्स घूम रहे हैं। वैसे मैं रात के 11 बजे तक आपके लिए इंतजार करता। वैसे रात को प्लेन लैंड करता ही नहीं। गुड नाइट गोपाल। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड लक। बाय द वे डॉक्टर रेनू, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई और मन को चैन भी मिला। एनीवे आपने सुबह से कुछ खाया है कि अभी तक भूखी? बेटी एक पीस और खा लो। नहीं नहीं काका, बहुत खा लिया। अरे रेनू बिटिया, अगर इतनी डाइटिंग करोगी तो हम दीवान साहब को क्या जवाब देंगे? जी पापा जानते हैं मैं ज्यादा नहीं खाती। अच्छा ये बताओ कैसा लगा तुम्हें हमारा शहर? अंकल अभी देखा कहाँ है। आराम से खाओ बेटे, कहीं जाने की जल्दी है। एक्चुअली अंकल शिकार पे जाना है। काहे का शिकार? अभी तक डिसाइड नहीं किया। हाँ, जहाँ भी जाओ रेनू बिटिया को अपने साथ जरूर ले जाना। क्या हुआ? हुआ कुछ। अरे इसको हमेशा इतनी जल्दी क्यों लगी रहती है? अंकल आज के शिकार का हमें जल्दी जाना पड़ता है। मर गए। सीमा हाय, आई एम सॉरी आई एम लेट। इट्स ओके। लव 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 भाग में गया तेरा लव यार। देख तू सीमा को भूल जाओ, रेनू से शादी कर ले। गोपाल मैं सिर्फ सीमा से शादी करूंगा। अकल से काम ले यार, रेनू में क्या खराबी है? पढ़ी लिखी है, डॉक्टर है। खराबी यह है कि मैं उसे प्यार नहीं करता। कोई पागल ही होगा जो डॉक्टर के साथ शादी करेगा। रात को अचानक घंटी बजी और वो गई किसी मरीज के पास। तुम बैठे रहो उल्लू की तरह, झक मारो। प्यार से उसकी तरफ हाथ बढ़ाए तो नब्ज देखने लगेगी। दिल पर हाथ रखा तो दिल का दौरा समझकर हॉस्पिटल में भर्ती कर देगी। मुंह खोला थर्मामीटर अंदर, और पता नहीं मूड खराब हो गया तो कहां कहां इंजेक्शन ठोक देगी। बकवास बंद कर विजय, सीमा कुछ दिनों के बाद चली जाएगी। उसके बाद सीमा के इश्क का बुखार उतारने के लिए आपको नए शिकार के लिए फिसलेंगे, है ना? नहीं यार गोपाल, ये मेरी जिंदगी का असली और आखिरी प्यार है, शिकार नहीं। और फिर जिस लड़की को मेरे यार गोपाल ने चुना हो उससे मैं प्यार ना करूं, क्या ये मुमकिन है? अरे चला गया। हे भगवान, उस गधे के नसीब में भी कोई लड़की लिखी होगी, कहीं तो होगी, मिला दे उसको भी इससे, फिर मैं देखता हूं उसका क्या हाल होगा। हे गोपाल, गुड मॉर्निंग। यस वेरी गुड मॉर्निंग।
चलिए। कहाँ? जहाँ आपका दिल चाहे। ओ, ओ। क्या हुआ? रेनू। क्या बात है? बोलो। I'm in love. मैं बहुत प्यार करता हूं, उसके बिना मैं जी नहीं सकता। मैं सीमा के बिना मर जाऊंगा। तुम तो खुशकिस्मत हो, तुम्हें किसी की मोहब्बत मिली। तुम्हें तो खुश होना चाहिए। मेरी मदद करो प्लीज। ठीक है, मैं आज ही अंकल से कह देती हूँ। जी नहीं, अभी अंकल से कुछ मत कहना, मौका आने पर मैं बता दूंगा। ओके। थैंक यू डॉक्टर एन, तुमने मेरी जिंदगी की बहुत बड़ी उलझन दूर कर दी। ये एहसान में एहसान नहीं, मेरा फर्ज है। दो प्यार करने वालों को मिलाने से बड़ी खुशी कौन सी होगी। अच्छा, पहले अपनी सीमा से तो मिलाओ, हम भी तो देखें कौन खुश नसीब है वो। रेली, तुम सीमा से मिलना चाहती हो? हाँ, क्यों नहीं। तो चले। I'm sorry. रेनू, यह है सीमा, मेरी जिंदगी, मेरी जान और मेरी खुशी। अच्छी है ना? बहुत सुंदर। और सीमा, यह है मेरी दोस्त रेनू, I'm sorry, डॉक्टर रेनू दीवान। बहुत खुशी हुई तुमसे मिलकर सीमा। मुझे भी। अगर जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। मैं चलती हूँ। मैं आपको छोड़ देता हूँ? नहीं, कब से आपका इंतजार कर रही है, आप यही रहिए, मैं चलती हूँ। ओके, बाय बाय। चलो सीमा। बहुत अच्छी लड़की है रेनू। हाँ, वाकई बहुत अच्छी है। अच्छा, एक बात बताओ, जब भी तुम मुझे मिलने आते हो हमेशा ये फूल के लिए आते हो साथ में। क्यों, तुम्हें अच्छा नहीं लगता? नहीं बाबा, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हमेशा यही गुलाब का फूल क्यों ले आते हो? क्योंकि गुलाब फूलों का राजा है और तुम मेरी जिंदगी हो। यकीन मानो सीमा, तन्हाई में जब तुम मेरे पास नहीं होती तो ये फूल मुझे हमेशा तुम्हारी याद दिलाता है। से खड़ी हैं? थोड़ी देर हुई। बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं आप। बस यूं ही कुछ रंग बिखेर देता हूं कोरे कागज के सीने पे। और कोरे कागज के सीने पर एक कलाकार की कल्पना हमेशा के लिए अमर हो जाती है। पर एक बात समझ में नहीं आई। वो कौन सी? ये अर्थी और डोली, दो अलग अलग ख्याल एक साथ। जिंदगी और मौत, रात और दिन, गम और खुशी, ये सब एक साथ जुड़े हुए हैं, जिंदगी के हार में एक साथ पिरोए हुए, है ना? आप हमेशा तो ऐसे नहीं होते। कैसे? इतने सीरियस? शायद कुछ लम्हों के लिए अपना मुकुट पहनना भूल गया था। कितना फर्क है विजय में और आप में। वो कैसा? आप इतने गंभीर, सीरियस, और वो कितने चंचल, शरारती, बिल्कुल आपकी इस तस्वीर की तरह, अलग अलग होते हुए भी एक साथ। अच्छा ये बताइए, इतने मुख्तलिफ मिजाज होते हुए भी आपकी दोस्ती कैसे हुई? हमारी दोस्ती? ये भी एक अजीब इत्तेफाक है। 4 साल पहले
मैं शहर में नया था, भूख लगी थी, एक रेस्टोरेंट में दाखिल हुआ जहां पे विजय साहब पहले से मौजूद थे।